अग्निवीर बने रीवा के युवाओं ने लगाई दौड़। 305 युवा दौड़ में हुए क्वालिफाई। 4,660 युवा अपने सपने लेकर पहुंचे थे जबलपुर। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सेना में भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन से ही युवाओं में अग्निवीर बनने का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आज भर्ती के दूसरे दिन रीवा जिले के 4,660 युवा शामिल हुए। हालांकि भर्ती के लिए 6,756 युवा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 305 युवाओं ने समय पर दौड़ पूरी कर पाए। भर्ती में शामिल होने आए युवा सानू सिंह के मुताबिक 3 वर्षों से सेना में भर्ती होने के सपने देख रहे थे, लेकिन कोविड आने के दौरान उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था, जिसके बाद अग्निवीर बनने के लिए अपने सपने लेकर जबलपुर शहर आए हैं। भर्ती में शामिल हुए युवाओं को सेंटर में आयोजित अग्निवीर चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट किया गया, जिसके बाद सभी युवाओं को सुबह 8:15 बजे तक दौड़ाया गया। हालांकि युवाओं को भर्ती से पहले अधिकारियों के द्वारा भर्ती प्रक्रिया की बारीकियां भी बताई जा रही हैं, साथ ही युवाओं का हौसला भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जबलपुर जिले में आयोजित हो रही अग्निपथ योजना की भर्ती में 14 जिले के करीब 66,000 युवा शामिल होंगे। व्यवस्था भी सेना के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा भी की गई है। वहीं भर्ती में शामिल होने बाहर से आने वाले नौजवानों को भर्ती सेंटर तक लाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त बस भी चलाई जा रही हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष पिछली भर्तियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ नौजवानों ने जमकर अग्निपथ योजना के तहत हिस्सा लिया। वहीं युवाओं का जोश देश सेवा करने का है, जिसके कारण गांव में ही रहकर लंबे समय से युवा तैयारी कर रहे थे, जिसका फायदा आज उन्हें मिल रहा है। हालांकि पहले दिन जबलपुर के युवा दौड़ में शामिल हुए थे, जिसमें बारिश के कारण युवाओं की संख्या आधी रही। भर्ती के लिए जबलपुर के करीब 6,650 जवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें करीब 3,850 युवाओं ने हिस्सा लिया और जबलपुर के 228 युवाओं ने अग्निवीर बनने दौड़ का पड़ाव पार किया। द खबरदार न्यूज, धन्यवाद।